घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस उपचुनाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच पहली चुनावी भिड़ंत का मंच तैयार होगा। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है, जिसने जनता के बीच जमकर प्रचार किया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए और इंडिया की कड़ी परीक्षा है। हाल ही में गठित इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दिया है, जिन्हें भाजपा के दारा सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। दारा सिंह चौहान, जो सपा से ही भगवा पार्टी में शामिल हो गए थे और इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, वो फिर से चुनावी मैदान में है और उन्हें एनडीए के घटक दलों अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी पार्टियों का समर्थन मिला है। क्या है घोसी का जातीय समीकरण? इस चुनाव का परिणाम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पहली बार इंडिया और एनडीए इस चुनाव में आमने सामने हैं। इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया के बीच किस तरीके का संघर्ष होगा, इसकी एक झलक घोसी में दिख जाएगी। घोसी में लगभग 4,38,000 मतदाताओं में से 90,000 मुस्लिम है, 60,000 दलित और 77,000 उच्च जाति से है। उपचुनाव के लिए मतदान 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 8 सितम्बर को होगी। बसपा के मतदाता तय करेंगे जीत हार। मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने राज्य की पूर्वांचल क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें, घोसी में करीब 90,000 दलित वोटर हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो ये तबका हार जीत में अहम भूमिका निभा रहा है। 2017 में बसपा को 81,295 वोट मिले थे, जबकि 2019 के उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार को 50,775 वोट मिले थे। वहीं 2022 में बसपा को 54,248 वोट मिले थे। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव मुख्य प्रचारकों में से थे। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार करने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों के नेता शामिल थे। चुनाव परिणाम कई मायनों में खास होगा। यदि सपा घोसी में जीत दर्ज करती है तो ये इंडिया के लिए बड़ा बूस्टअप होगा। 2024 आम चुनावों के लिए राज्य में सीट शेयरिंग में भी काफी तेजी आएगी। वहीं अगर सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव जीतती है तो यूपी में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही जो दावा इंडिया कर रही है उस नैरेटिव को जबरदस्त झटका लगेगा। बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी इससे काफी बढ़ेगा।